अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फारिया मीर। आज हम बना रहे हैं कढ़ी पकोड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बनती है। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक अदद प्याज ले ली थी, इसको चॉप कर लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट एक खाने का चम्मच, दो हरी मिर्ची जिनको मैंने काट लिया था, दो भरे हुए लाल मिर्चों के चम्मच और सफ़ेद जीरा एक चम्मच, नमक हसबे ज़रूरत, दही दो प्याली, बेसन एक भरी हुई प्याली, सूखा धनिया एक चम्मच और हल्दी आधा चम्मच। ये सारी चीज़ें अब हम मिक्स करेंगे दही में। हम दही ले लेंगे, ये दही मैंने दो कप ले ली थी। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसमें सारा बेसन और सारे मसाले डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। प्याज नहीं डालेंगे, सिर्फ जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने इसमें डाल दिए और मैंने इसका एक घोल बना दिया। थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, प्याज और हरी मिर्च डाल के इसको पकाएंगे। अब हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। जैसे ही प्याज हमारी ब्राउन हो जाए तो अब हम इसमें अपने ये बेसन वाला सारा मिक्सचर डाल देंगे। मिक्सचर डालने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 5 से 5.5 गिलास पानी डाल दिया था और मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया। जब जोश आ गया तो मैंने इसको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। आप इसको हल्की सी आंच पे पकाएं और हल्के हल्के से बीच में चमचा चलाते जाएं। जब आपकी कढ़ी इस तरीके से तैयार हो जाए तो अब हम पकोड़े बनाते हैं और इसमें डालते हैं। ये मैंने बेसन ले लिया था, बेसन आप 2 कप ले लें, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा और उसके साथ मैंने खुश्क मेथी और मैंने बेकिंग पाउडर नहीं था, ये मीठा सोडा था, ये डाल के और हरी मिर्च, प्याज था और हरा धनिया, ये सारी चीज़ें जो पकौड़ों का आम मसाला होता है सारा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी डाल के आप पकौड़ों का पेस्ट बना लें। जिस तरीके से आप बनाती हैं वो पकौड़ा का मिक्सचर है, पेस्ट नहीं है, ये मिक्सचर है। तो अब हम ऑयल गरम करके इसमें पकौड़े डालेंगे। वैसे मैंने हाथ से डाले थे, एक मैंने 1-2 स्पून से डाले थे, स्पून से ज़्यादा मुझे हाथ से इजी लगता है पकौड़ा बनाना। सारे पकोड़े हम बनाते जाएंगे, गर्मा गर्म पकोड़े हम गर्म गर्म कढ़ी में डालेंगे और कढ़ी बहुत मज़ेदार बनेगी। मैंने बहुत कोशिश की है जल्दी जल्दी से वीडियो बना के आपको जल्दी जल्दी आपके सामने रेसिपी लाऊं। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। 1 अदद भरा हुआ चम्मच प्याज का, 1 अदद मैंने लिए प्याज का भरा हुआ चम्मच नहीं था, सफ़ेद ज़ीरे का भरा हुआ चम्मच था, 1 अदद प्याज थी और उसके साथ ही गोल वाली जो लाल मिर्ची होती है 7 से 8 दाने आप ले लें। और अब इसका तड़का तैयार करें, ऑयल अच्छा खासा लेकर इसको मिक्स करके फ्राई कर लें। मैंने उसी पकौड़े वाले पैन में ही कर दिया। अब हम ये गरम गरम तड़का अपनी गरम गरम कढ़ी के ऊपर डालेंगे और मज़ेदार कढ़ी बना लेंगे। आपकी ये कढ़ी बहुत मज़ेदार बनेगी, आप ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपके साथ इंशाल्लाह और रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।